मॉडर्न आर्ट के बजाय अब ट्रेडिशनल आर्ट का क्रेज बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इन दिनों मिनिएचर के प्रति खासा क्रेज देखने को मिल रहा है। समर वेकेशन शुरू हो चुके हैं और अब बारी है कुछ क्रिएटिव सीखने की। यही वजह है कि इन दिनों शहर में समर कैंप की भरमार है। बच्चे हों या फिर बड़े, हर कोई कुछ न कुछ सीखने में लगा है। शहर में इन दिनों मिनिएचर आर्ट सीखने का क्रेज हर किसी में नजर आ रहा है। मैं मिनिएचर पेंटिंग सीख रही हूँ इनसे, और ये ना गॉड पे बेस होती है। हम इसको है ना दोबारा बनाते हैं ताकि ये रिवाइव हो सके, और हमें बहुत नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं यहाँ पे। मिनिएचर आर्ट पेंटिंग है जिसमें राजस्थान की जो शैलियाँ ख़त्म होती गई है, बिल्कुल बारीक पेंटिंग ब्रश से हम लोग लाइनिंग करते हैं, और इसमें पूरा काम पेंटिंग ब्रश से ही होता है, तो वो लोग हम अभी सीख रहे हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर मिनिएचर शैली सीखने आई हूँ, और मैंने जयपुर आर्ट को चुना है, और इसमें मैंने अभी जयपुर शैली में ही शिव फैमिली को बनाया है। मिनिएचर आर्ट के प्रति बढ़ते झुकाव की वजह कलाकार इस कला की पारंपरिक शैली और इसकी गहनता बताते हैं। इसके साथ ही सहज होने के साथ साथ ये आर्ट देखने में भी आसानी से समझ में आ जाती है। जयपुर में जो यूथ है, जो युवा वर्ग है और जो नवांकुरित कलाकार है, उनको पारंपरिक शैली से जोड़ने के उद्देश्य से हर वर्ष ये एक महीने का हम कैंप लगाते हैं, और सिर्फ क्लासिकल आर्ट सिखाई जाती है। जैसे हम मिनिएचर पेंटिंग सिखा रहे हैं तो हम बूंदी शैली सिखा रहे हैं, कांगड़ा शैली सिखा रहे हैं, जयपुर ढूंढाड़ी शैली हम सिखा रहे हैं, किशनगढ़ शैली की बनी ठनी हम इनको बता रहे हैं। तो एक तो इन बच्चों में ये हो जाता है कि किशनगढ़ शैली क्या है, कांगड़ा शैली क्या है, बूंदी शैली क्या है, तो कंपेरिजन करते रहते हैं, तो उनसे पता चल जाता है उनके कलर स्कीम से, उनके बैकग्राउंड से और फीचर्स के आँखों के एक्सप्रेशन से। तो इस तरह से इन सब बच्चों को अलग अलग हम शैलियों के माध्यम से भारतीय कला से हम रूबरू कराते हैं। मिनिएचर आर्ट के प्रति लोगों का झुकाव पारंपरिक कलाओं की खासियत को बताता है, साथ ही इससे ये उम्मीद जगती है कि आने वाले दिनों में भी ये कला अपनी खूबसूरती और खासियत को बरकरार रखने में कामयाब होगा। ईटीवी न्यूज के लिए जयपुर से श्वेता शर्मा की रिपोर्ट। देखेंगे गुलाबी नगरी की कुछ और अहम खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान, खबर ही